गुड मॉर्निंग सर। ओके तो क्वार्टर जॉइंट क्या होता है? क्वार्टर जॉइंट मतलब कि दो कोएक्सियल शाफ्ट को जोड़ने के लिए यूज होता है। तो क्वार्टर जॉइंट जैसा कि तुम्हारे सामने तस्वीर को शो किया जा रहा है, तो ये क्वार्टर जॉइंट का पूरा एक सिस्टम हो गया। इसमें देखो कुछ कुछ पार्ट है, उस पार्ट को नीचे भी हम और क्लियर किए हुए हैं। सबसे पहले क्वार्टर जॉइंट का तस्वीर कैसा होता है, ये हमारा ओरिजिनल तस्वीर हुआ। ओके तो दिस यहाँ पे देखो एक ही पार्ट ये हुआ, ये इस तरह से इसका इसका पार्ट हुआ। इसमें बहुत सारा एलिमेंट जुटा हुआ। ओके बहुत सारे एलिमेंट जुटा हुआ है। और ये देखा है डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, द पी। तो डायरेक्शन ऑफ पी यहाँ पे टेंसाइल फोर्स दोनों तरफ से लगेगा, तो ये कहाँ कहाँ से में टूटेगा। तो इसका जो बेसिक जो पार्ट हमारा है तो कौन कौन सा पार्ट है जब वो देख लेते हैं हम लोग सबसे पहले, उसके बाद हम डेफिनेशन को जाएंगे। तो देखो ये तीन 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 पार्ट होता है। एक स्पाइगोट, एक बोलते हैं स्पाइगोट बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्वार्टर, इसको बोलते हैं सॉकेट। तो तीन पार्ट होता है, सॉकेट, स्पाइगोट एंड क्वार्टर। क्वार्टर तो ये जो मेरा सॉकेट पार्ट होता है, इस सॉकेट पार्ट में ये जो पार्ट होता है, ये पार्ट इसके अंदर इंटर करता है। देखो तो यहाँ ये होलो पार्ट है, ये होलो पार्ट है, ये सॉलिड पार्ट हुआ। ये पार्ट इसके अंदर इंटर करता है। देखो यहाँ पे एक स्लॉट बना हुआ है, तो ये स्लॉट है और एक ये स्लॉट है। ये दोनों स्लेट मैच करता है। मैच करने के बाद ये जो क्वार्टर होता है, फिर क्वार्टर को ऊपर से हम डाल देते हैं। तो सेम चीज ऊपर में ही ये चीज दिखाई देता है जस्ट। तो एक हमारा हो गया स्पाइगोट। देखो यहाँ पे ये जो पार्ट हुआ हमारा, ये हो गया क्वार्टर। ओके इसमें जो स्लॉट बना हुआ है, तो एक स्लॉट दोनों में बना हुआ स्लॉट बना हुआ है। तो एक हमारा जो ये हो गया स्पाइगोट। ओके ये स्पाइगोट, ये बन गया मेरा सॉकेट। तो बेसिक इसमें तीन ही पार्ट है। ओके सॉकेट, स्पाइगोट एंड क्वार्टर। इसका यूज क्या होता है, इसका असर, इसका डेफिनेशन क्या है वो देखेंगे। इसका डिफिनेशन सिर्फ तीन वर्ड में हम इस चीज को डिफाइन कर देंगे, ठीक है। पहला होता है कि इसको कोएक्सियल रड में हम यूज करते हैं। कोएक्सियल मतलब जब दो रड या दो शाफ्ट कोएक्सियल रहता है, तभी हम यहाँ पे यूज करेंगे। कोएक्सियल मतलब ये जो रड हुआ, इसको रड रड ए बोलेंगे, एक रड ये है रड बी बोलेंगे। जब रड ए का एक्सिस और रड बी का एक्सिस कोएक्सियल होगा, तब दोनों को ज्वाइन करना है, तब हम क्वार्टर ज्वाइंट को यूज करते हैं। इसका यूज हम टेंसाइल या कंप्रेसिव लोड के लिए यूज कर सकते हैं। इस तस्वीर में यहाँ पे टेंसाइल लोड दिया गया है कि टेंसाइल लोड पी यहाँ इसके ऊपर काम कर रहा है। तो दो शाफ्ट का यूज पहले पर है, दो शाफ्ट को हम ज्वाइन करना है, लेकिन शाफ्ट ऐसा होगा कि उसमें हमारा टेंसाइल फोर्स लगने वाला है। तो दो शाफ्ट या कह सकते दो रड शाफ्ट हम यहाँ पे बोलना मेरे लिए सही नहीं होगा, क्योंकि शाफ्ट एक रोटेटिंग एलिमेंट को बोलते हैं। तो शाफ्ट को यहाँ पे यूज करना हमारे लिए गलत हो जाएगा, तो हम यूज करते हैं रड। तो रड दो रड को जोड़ने के लिए, हाँ इसका क्रॉस सेक्शन एरिया सर्कुलर हो सकता है रड का। ओके तो लेकिन वो दोनों रड पे टेंसाइल फोर्स लगेगा। ओके तो इसमें थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इसको हम टॉर्क के लिए ट्रांसमिट करने के लिए हम यूज नहीं करते, क्योंकि जो टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है टाउ इक्वल टू 16 टी पाई डी क्यू, तो यहाँ पर टॉर्क यूज होता है। टॉर्क मतलब रोटेटिंग। तो ये फॉर्मूला हम कभी यूज नहीं करेंगे क्वार्टर वाले में, क्योंकि क्वार्टर जो होता है वो रोटेटिंग पार्ट के लिए यूज नहीं होता है। दो रड रड ए रड बी का यूज हम लोग जब हम सिंपल टेंसाइल और कंप्रेसिव द एक्सियल लोड जब लगता है, तभी हम यूज करेंगे, अदरवाइज हम
कोटर को हम कहीं और यूज नहीं कर सकते, कोटर का यूज करेंगे रिमेंबर कि को एक्सियल रड होना चाहिए और रड में टेंसाइल और एक्सियल फोर्स लगना चाहिए, एक्सियल फोर्स आपको लगना चाहिए ओके okay. और टॉर्क वाला नहीं, जैसे मान लो कि दो शाफ्ट है ओके okay, दो शाफ्ट है, अभी दो शाफ्ट को ये शाफ्ट रोटेट कर रहा है, ये इसको भी रोटेट करवाना है, तब जो ज्वाइंट हम करवाएंगे इसको बोलते हैं कपलिंग, जो हमें पढ़ चुके हैं। तो कपलिंग का इस्तेमाल करते हैं दो रोटेटिंग एलिमेंट को जोड़ने के, लेकिन दो एक्सियल रड है, एक्सियल रड है तो इसको अब ज्वाइंट करना है, तो हम क्वार्टर ज्वाइंट करते हैं, वो भी को एक्सियल, मतलब एक्सिस बिल्कुल कोइंसाइड करना चाहिए। तो इसका तीन बेसिक एलिमेंट हमारा होता है, पहला एलिमेंट हो गया स्पाइगोट, जो यहाँ पर डिस्कस किए, स्पाइगोट, क्वार्टर एंड सॉकेट। अब इस तीनों पार्ट में हमें देखना है कि कहाँ पे कौन सा फोर्स लगता है और किस तरह का इसमें स्ट्रेस पैदा होगा, कहाँ कहाँ से टूट सकता है हम लोग का। तो क्योंकि यहाँ हम लोग पहले हमने कहा था कि ये चीज़ एक्सियल लोड होना चाहिए मेरे लिए, तो एक्सियल लोड मतलब टेंसाइल होगा, तो जब भी टेंसाइल फोर्स लगेगा तो हर एलिमेंट में टेंसाइल फोर्स ही लग सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि टेंसाइल स्ट्रेस पैदा हो, फोर्स तो टेंसाइल है, रिमेंबर टेंसाइल फोर्स है, लेकिन इस टेंसाइल फोर्स के चलते शियर भी पैदा हो सकता है, शियर स्ट्रेस भी पैदा हो सकता है एंड टेंसाइल स्ट्रेस भी पैदा हो सकता है ठीक है, और क्रशिंग भी हो सकता है, कंप्रेसिव भी हो सकता है। हम जब वन बाय वन करके हर चीज को देखेंगे कि आखिर क्या है। सबसे पहले कुछ डिफिनेशन है जो हमने गूगल से कॉपी किए हैं ओके okay, और किताब का भी लगभग एक ही चीज है तो कोई इश्यूज नहीं है। स्पाइगोट क्या होता है, एक मेल पार्ट होता है ओके okay, तो ये एक रेक्टेंगुलर स्लॉट इसके ऊपर बना रहता है ओके okay, जहाँ पे क्वार्टर इसके अंदर जाता है ओके okay, सिंपल ये हो गया स्पाइगोट, ये था स्पाइगोट, तो इसको मेल पार्ट बोलते हैं। इसमें रेक्टेंगुलर टाइप का स्लॉट बना हुआ है जो तुमको दिखाई दे रहा है, जिसके अंदर क्वार्टर जाता है और इसलिए ताकि वो रेजिस्ट कर सके, हमारा जो सॉकेट है उसके साथ वो मिल सके। सॉकेट क्या है उसको डिफाइन करते हैं, सॉकेट हमारा जो है वो था हमारा फीमेल पार्ट बोलते हैं, इसमें भी एक तरह का रेक्टेंगुलर स्लॉट बना रहता है जिसमें क्वार्टर जाता है, तो ये जो स्लॉट होता है उसमें स्पाइगोट और सॉकेट दोनों में स्लॉट होता है ताकि क्वार्टर यहाँ से पास हो सके सिंपल। नाउ थर्ड पार्ट इज द क्वार्टर, क्वार्टर हमारा एक वेज शेप का पीस होता है मेटल का, इसका भी स्ट्रेंथ स्ट्रेस हमें करके देखना पड़ेगा, जो कि दो पार्ट को हम जोड़ने के लिए यूज करने और मोर इम्पॉर्टेंट इज द नॉन रोटेटिंग एलिमेंट, तो ये जो क्वार्टर होता है वो नॉन रोटेटिंग एलिमेंट होता है, ये रोटेट नहीं कर सकता, ऐसे भी दो रड को हम लोग नॉन रोटेटिंग एलिमेंट में ही हम लोग क्वार्टर ज्वाइंट को यूज करते तो हम यूज नहीं कर सकते। वेज मतलब का वेज का मतलब ने क्या बताया, वेज का मतलब होता है कि क्वार्टर जो होता है वो थोड़ा सा इस तरह होता है वेज टाइप का, तो ऊपर तस्वीर देखोगे देखो ये थोड़ा वेज टाइप का है, वेज का मतलब थोड़ा सा एंगल की तरफ बना हुआ, ये स्ट्रेट लाइन है और ये थोड़ा वेज टाइप का है ओके, इनक्लाइन इंक्लाइनेशन बोलते हैं इसको, उसको बोलते हैं वेज शेप होने की वजह से इसमें वेज एक्शन होता है, मतलब मोर फ्लेक्शन, इसकी वजह से क्वार्टर बाहर नहीं निकलता है और स्लॉट और स्पाइगोट को अच्छा से पकड़ के रखता है, क्योंकि यहाँ पे वेज शेप है तो जो ये पक्का टेपर ही होगा, टेपर मतलब वेज शेप हो गया, ताकि हम आराम से इसको निकाल सके और ये आराम से अच्छा से ये इसके लूजनिंग को ये रोक सके। इसका दो फंक्शन होता है टेपर होने का, पहला तो ईजी टू रिमूव एंड सेकेंड टू प्रिवेंट द लूजनिंग द पार्ट। इसका जो हम लोग टेपर देते हैं वो 1/48 या 1/24 का, ये ऑब्जेक्टिव के लिए कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, जेईई में एसएससी में कोई क्वेश्चन तो नहीं आएगा। ये फाइनल मेरा एक असेंबल पार्ट ओके, जो डिजाइन जो तुम लोग अब हम जो हम डिजाइन करने वाले हैं इसी पिक्चर के अनुसार करेंगे ओके, तो हैंडबुक का इस्तेमाल करके बनाना जरूरी होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारा फॉर्मूला है जो याद करना हमारे बस की बात नहीं है और याद भी नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले जब हैंडबुक का इस्तेमाल करेंगे तो हैंडबुक में जाकर देखेंगे कि क्वार्टर ज्वाइंट किस पेज नंबर पे लिखा हुआ है और वहां से हम इसका तस्वीर को कॉपी करेंगे। ये जो तस्वीर है वो बी भंडारी का ही है तो इसलिए इसमें ऐसा दिक्कत नहीं होगा। जिस हैंडबुक को तुम लोग इस्तेमाल करने जाओगे हो सकता है कि तो वो हैंडबुक का जो डायमेंशन है, फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे डायमेंशन D4 लिखा हुआ है यहाँ से यहाँ वाले को,
हो सकता है जिस हैंडबुक को तुम इस्तेमाल करोगे वहां पे D1 या D2, D3 कुछ भी चीज से रिप्रेजेंट कर सकता है। तो इसलिए जिस बुक से प्रैक्टिस करोगे, अगर तुम्हारे पास जो भी हैंडबुक होगा तो उससे वह प्रैक्टिस करके एग्जाम में जरूर बैठोगे, नहीं तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा। एनीवे, जो ये तस्वीर है वो भी भंडारी का तस्वीर है, कॉपी किया हुआ है, तो जो हम न्यूमेरिकल बैठाएंगे वो लगभग इसके साथ मैच करेगा। तो यहाँ पे D1 किसको कहा गया, D क्या है, A क्या है, C1 का हम सब एक वन बाई वन करके सुना देते हैं। तो यहाँ पे तीन पार्ट हो गया, स्पाइगोट, क्वार्टर एंड सॉकेट, ये तीन पार्ट हो गया। ओके, तीन पार्ट को इस व्यू सेक्शनल व्यू से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। यहाँ पे ये जो D है, ओके, यहाँ पे जो D है वो डायमीटर ऑफ हमारा शाफ्ट है, ये सॉरी नॉट शाफ्ट, डायमीटर ऑफ द रड। ओके, तो शाफ्ट बोलना सही उचित भाषा नहीं होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे P मतलब हो गया एक्सियल लोड, एक्सियल लोड यहाँ पे लग रहा है। ओके, आप कहेंगे किताब में F से भी रिप्रेजेंट कर सकता है, तो ओके, तो यहाँ पे डाउट नहीं रखना अपने पास से। डी मतलब इस पिक्चर में डी का मतलब होगा डायमीटर ऑफ रड। ओके, तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं डायमीटर ऑफ रड, डायमीटर ऑफ रड, रड ए एंड रड बी, यहाँ पे दो रड है, दो रड को जोड़ना है, तो रड ए दिस रड एंड दिस रड, तो डायमीटर ऑफ द रड हो गया। नेन, अब आते हैं इस डी वन पे, डी वन क्या है, तो देखो डी वन यहाँ पे अगर देखोगे कि तो क्या है, ये जो स्पाइगोट है, स्पाइगोट का आउटसाइड डायमीटर है D1, D1 क्या है, आउटसाइड डायमीटर ऑफ स्पाइगोट। देन D2 क्या है, D2 है, D2 को दो भाषा में हम बोल सकते हैं, पहला तो इनसाइड डायमीटर ऑफ द स्पाइगोट, ओके, इनसाइड डायमीटर है, और ये भी बोल सकते हो कि आउटसाइड डायमीटर जो मेरा सॉकेट है उस सॉकेट का भी आउटसाइड डायमीटर, तो ये सॉकेट पार्ट है। इसका पार्ट हो गया सॉकेट, D2 इज आउटसाइड डायमीटर ऑफ द सॉकेट, D2 हो गया सॉकेट। अच्छा, D3 क्या है, D3 जो सॉकेट है, ये जो सॉकेट है, देखो ये हम सक्रर पेंसिल यूज कर देते हैं ताकि थोड़ा कंफ्यूजन नहीं हो, तो जो हम इस कर्व को पेंसिल को यूज कर रहे हैं वो होगा मेरा सॉकेट। ये जो रेड पेंसिल का यूज किए हैं वो मेरा हो गया सॉकेट। तो ये सॉकेट का आउटसाइड डायमीटर D2, और इसका कॉलर, इसको बोलते हैं कॉलर, मतलब कि जहां फंसने के लिए यूज करते हैं कॉलर, तो D3 इज द डायमीटर ऑफ द स्पाइगोट, सॉरी सॉकेट, सॉकेट का मेरा D3 इसका डायमीटर हो गया। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे आगे कुछ भी है, तो D4, अब देखो D4 डायमीटर है, ओके, तो ये मेरा डायमीटर हो गया सॉकेट का, ये डायमीटर हो गया D4, और ये डायमीटर किसका हो गया D3, D3 स्पाइगोट का डायमीटर होता है, तो स्पाइगोट का कॉलर का डायमीटर D3, और D4 जो हो गया, हम इसके दूसरा कर्व पेंसिल यूज कर देते हैं ग्रीन फॉर द सॉकेट, तो ये सॉकेट के लिए हो रहा है, तो सॉकेट के लिए ये चीज। तो ये जो D4 है वो हो गया तुमको सॉकेट का आउटसाइड डायमीटर, तो सॉकेट का कॉलर डायमीटर। ओके, आगे कुछ देखते हैं A। अब कुछ कुछ यहाँ पे देखो A, B और C, यहाँ पे तीन वर्ड है, अल्फाबेट है ABC। A का मतलब हो गया कि जो सॉकेट है, सॉकेट का और क्वार्टर के बीच की दूरी हो गया, तो मतलब डिस्टेंस फ्रॉम एंड ऑफ स्लॉट टू द एंड ऑफ स्पाइगोट ऑन रड बी। ओके, तो ए का मतलब हो गया कि तुमको स्लॉट जो मेरा सॉकेट है, सॉकेट से लेकर जहां तक इसका क्वार्टर, मैंने क्वार्टर जॉइंट आ गया है, वो हो गया ए। बी क्या है, बी है मीन विड्थ ऑफ द क्वार्टर, क्योंकि क्वार्टर वेज शेप का होता है, वेज शेप का होता है, तो इसका विड्थ यहां ज्यादा है, इसका विड्थ कम है,
तो मीन विड्थ को लेते हैं, तो बी इज द मीन विड्थ ऑफ क्वार्टर। अब सी क्या है, अब सी हो गया कि एक्सियल डिस्टेंस फ्रॉम स्लॉट, तो कौन सा स्लॉट, तो ये जो स्लॉट है यहां से लेकर टू सॉकेट, तो ये हो गया मेरा सॉकेट पॉइंट के बीच की दूरी, यहां से लेके यहां तक के बीच की दूरी हो गया सी। तो ए बी सी यहाँ पे तीन चीज हो गया, थिकनेस ऑफ द क्वार्टर, ये जो क्वार्टर है इसका थिकनेस हम लेंगे क्योंकि असल में ये क्वार्टर इस जैसा है, वे शेप का है, तो ऊपर की तरफ हम लेके जाएंगे, देखो इसका जो थिकनेस है, थिकनेस तो मोटा का है, तो इसका थिकनेस हम ले लेंगे क्वार्टर का थिकनेस, टी मतलब थिकनेस ऑफ द क्वार्टर। ये सब चीज यहाँ पे जो लिखा हुआ है यहाँ पे थिकनेस को रिप्रेजेंट नहीं किया हुआ है, और टी वन है हो गया, ये जो टी वन है थिकनेस ऑफ द क्वार्टर टी वन, ओके, तो टी वन थिकनेस ऑफ द, डी थ्री का जो है मतलब कि स्पाइगोट का क्वार्टर का थिकनेस हुआ। तो ये सब ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, जो मेन इंपॉर्टेंट है वो डी वन डी टू डी थ्री ए बी सी, ये इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि बहुत सारे इसमें इस पे हम लोग इंपिकर फॉर्मूला यूज करने जा रहे हैं। अब वन बाय वन करके हम इसमें कैलकुलेशन स्टार्ट करने वाले। सबसे पहला कैलकुलेशन होगा कि हम जब एक्सियल फोर्स लगाते हैं तो एक्सियल फोर्स लगाने से डायमीटर टूट सकता है, तो कितना हम डायमीटर हम यूज करेंगे, तो कितना इसका डायमीटर हमारा होना चाहिए। ये तीन चीज बहुत सारी तस्वीर यहाँ पे हम अपलोड किए हुए हैं। स्पाइगोट का जो डायमीटर है वो डी टू है, हाँ क्या पूछ रहे, डी टू, हाँ डी टू जो है स्पाइगोट का डायमीटर, हाँ डी टू जो है स्पाइगोट का आउटसाइड डायमीटर बोल सकते हो, ये बोल सकते हो कि सॉकेट का इनसाइड डायमीटर। देखो ये जो सॉकेट है, ये जो पार्ट है ये सॉकेट है, ठीक है, इसको लाइन कंफ्यूज मत करना, ये असल में सॉकेट ये है, इसको रिप्रेजेंट किया ना इस चीज से, तो ये चीज ग्रीन है वो सॉकेट हुआ, स्पाइगोट जो इसके अंदर से इंटर किया है, तो डी टू जो हो गया वो कह सकते हैं कि आउटसाइड डायमीटर ऑफ स्पाइगोट, या बोल सकते हो इनसाइड डायमीटर ऑफ सॉकेट, सॉकेट जाके फिट हो जाता है, तो ये हम दो चीज बोल सकते हैं। ओके, अब हम कैलकुलेशन कैसे शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहला चीज, सबसे यहाँ पे देखोगे, सबसे पहला यहाँ पे हम जो कैलकुलेशन उठाने जा रहे हैं, पहला चीज टेंसाइल फेलवर ऑफ रड, सबसे पहले रड को चेक करना है कि रड हमारा टूटेगा कि नहीं टूटेगा। तो रड हमारा किसी भी मटेरियल का बना हुआ होगा, उसका फॉर्मूला यूज करेंगे सिग्मा टी पी देन एरिया, तो डी मतलब डायमीटर ऑफ शाफ्ट, तो यहां से मेरा डायमीटर तुम्हें कैलकुलेट कर लेना है 4t बाई पाई सिग्मा टी अंडर रूट। तो सबसे पहला काम है डायमीटर निकाल लेना। डायमीटर को इसके लिए जो तस्वीर यहां पर है वो तस्वीर तुमको हम ये पार्ट, तो ये हो गया डायमीटर, तो डायमीटर ऑफ शाफ्ट, तो डी डायमीटर, जब यहां से फोर्स हम लगाते हैं पी, ये क्रॉस सेक्शन एरिया पे मेरा ब्रेक हो सकता है, ओके, तो ये मेरा ब्रेक होगा, डायमीटर डी है, तो यहाँ का मैक्सिमम जो रड होगा, जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होगा सिग्मा टी यहाँ का, तो फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, सिंपल स्ट्रेस का फॉर्मूला यूज करेंगे, स्ट्रेस बाय फोर्स बाय एरिया, तो एरिया इज सर्कुलर सेक्शन हो गया, तो यहाँ पुट करके हम लोग डायमीटर कैलकुलेट, ये जो तस्वीर है फोर टेंसाइल फेलवर ऑफ रड, ये सब तस्वीर बनाने की जरूरत नहीं एग्जाम में, ओके, ये था पहला कंडीशन। दूसरा तुम लोग काम क्या करना, दूसरा स्टेप उठाना है, दूसरा स्टेप उठाना है कि अब तुम्हें हर सेक्शन को तुम्हें देखना है निकालना, ओके, तो जिस किताब को पढ़ोगे उस किताब के अनुसार सॉल्व करोगे तो आसानी होगी। तो मान लेके सेकंड स्टेप जो हम उठाने जा रहे हैं
वो उठाने जा रहे हैं टेंसाइल, तो रड का एक ही निकलेगा टेंसाइल फिर रड, रड का एक ही निकला टेंसाइल फिर, क्योंकि खिंचाईपन हो रहा है। अब टेंसाइल अब तीन पार्ट है, क्वार्टर, स्पाइगोट एंड सॉकेट, सबका हम चेक करना होगा। सबका चेक करने से तो टेंसाइल फेल्युअर चेक करेंगे हम लोग ऑफ स्पाइगोट। अब स्पाइगोट को चेक करना कि टेंसाइल फेल कहां पर होता है, सबसे पहले हम स्पाइगोट का तस्वीर को हम उठा के लाते हैं। तो स्पाइगोट कौन सा है, तो स्पाइगोट हमारा होगा ये पार्ट। ओके, ये हो गया मेरा स्पाइगोट, ठीक है। तो इसको यहां से उठा लेते हैं जरा हम लोग, यहाँ पे रख देते हैं और छोटा कर देते हैं। तो चलो, तो अब यहाँ पे स्पाइगोट को हमको देखना है। कितने का डायमीटर था मेरा, तो स्पाइगोट का डायमीटर क्या है हमारा है, स्पाइगोट का डायमीटर ऊपर में क्या हम मेंशन किए थे, स्पाइगोट का डायमीटर हो गया D2। तो D2 इज द डायमीटर ऑफ स्पाइगोट। ओके D2, ओके D2 हो गया। तो इसको हम लोग D2 को यहाँ पे लिख देते हैं समझने के लिए। तो ये हो गया मेरा D2, ओके, तो पक्का डायमीटर हो गया मेरा, ये भी D2 ही हो गया। तो D2, ये भी D2, ये भी D2। और ये जो स्लॉट बना हुआ है इसका थिकनेस है, थिकनेस क्या है, T मतलब थिकनेस, थिकनेस ऑफ स्लॉट या क्वार्टर। तो जो क्वार्टर इसके अंदर हम डालेंगे तो उसका थिकनेस हो गया T। तो ये जो पार्ट है ये पार्ट थिकनेस हो गया T, ये डायमीटर हो गया D2। इसको हम क्रॉस सेक्शन को हम जो रेड रेड है इसको हम यहां पे बना के दिखा दिया गया है। तो बताओ इसमें टेंसाइल फोर्स, टेंसाइल स्ट्रेस कितना पैदा होगा इसमें, बहुत सिंपल चीज है। तो जानते हैं कि टेंसाइल स्ट्रेस इनटू पी, पी का मतलब फोर्स, ये फोर्स तो मेरा सेम ही लगेगा हर जगह से, ये पी पी अप्लाई किए हुए हैं, यहाँ पी अप्लाई किए हुए हैं। तो कितना होगा इसका एरिया, एरिया होगा पाई बाई फोर टोटल होल एरिया, पाई बाई फोर एंड डी टू स्क्वायर, क्योंकि डी टू ही तो इसका एरिया है, माइनस, माइनस इसलिए कहें क्योंकि बीच का जो स्लॉट है वो तो गायब है, सॉलिड तो है नहीं मेरा, है यहाँ से निकल चुका है, ये खोखला है, इसमें स्लॉट बना हुआ है। ये कितना होगा डी टू इंटू टी, इसका एरिया कितने निकलेगा, तो देखो ये मेरा हो गया डी टू, ये हो गया थिकनेस। तो इसका जो पार्ट होगा वो होगा D2 into T एरिया, तो माइनस कर दिए, तुम्हारा यहाँ पे मेरा क्लियर हो गया। तो मेरे पास क्या क्या क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ होगा, क्वेश्चन में दिया रहेगा टेंसाइल स्ट्रेंथ, लोड इतना दिया रहेगा। तो इसके मदद से सबसे पहले डायमीटर निकाल लेंगे, और इसमें अब क्योंकि यहाँ पे D2 भी है और T भी है, दोनों अननोन वैल्यूज है, D2 भी T भी, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे डॉट मार्क, याद रखें कि एम्पिरिकल फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं। ये सब एम्पिरिकल फॉर्मूला कॉपी में नोट्स करते चल जाना है, जब भी क्वार्टर का क्वेश्चन आएगा तो हम क्या क्या यूज करने वाले हैं। वो होगा कि थिकनेस ऑफ जो क्वार्टर लेंगे वो 0.31D इतना लेंगे, इसको याद कर लेना है। T equal to मतलब thickness of the quarter वो 0.31D empirical relation से हमें लेना होगा। और ये क्या याद करना होगा, नहीं, handbook के मदद से जाके हमें देखना पड़ेगा। तो handbook या design book में जाके हमें देखना होगा कि quarter joint के जिस chapter पे quarter joint है उसी पे thickness का value 0.31D लिखा हुआ होगा, तो मैं वहां से कॉपी करके अपने कॉपी में लिखना होगा कि का वैल्यू 0.31D होगा। ये सब डाटा याद करने की जरूरत नहीं है तुम्हें, बिना हैंडबुक का न्यूमेरिकल नहीं बनेगा। तो 0.31D पुट करेंगे T को यहाँ से, हम जब पुट करेंगे तो हम फिर D2 को यहाँ से कैलकुलेट कर देंगे, तो तुम्हारा D2 यहाँ से निकल गया, कितने D2 का कितना हमें बनाना है। ये था पार्ट स्टेप टू।
आगे आते हैं कि फिर अब टेंसल टेंसाइल फेलवर देखते हैं सॉकेट का, सॉकेट में कितना मैं टेंसाइल फेलवर, ठीक है ना। सबसे पहले फिर टेंसाइल चेक कर लेते हैं, उसके बाद शीयर को देखेंगे। थर्ड नंबर टेंसाइल फेलवर इन सॉकेट, इसका तस्वीर जरा हम उठा के ले आते हैं। इसका तस्वीर कहाँ पर होगा, इसका तस्वीर तो ये तस्वीर इसका, तो चलते हैं इसका एरिया निकालते हैं। तो क्या फॉर्मूला होगा, टेंसाइल स्ट्रेंथ पी लोड बाय एरिया। तो एरिया क्या होगा इसका, किसका एरिया निकालना होगा, हमें एरिया निकालना होगा ये जो पार्ट है इसी के ना ऊपर टेंसाइल फोर्स लगेगा, क्योंकि बीच में तो होलो है, बीच का पार्ट मेरा होलो है, क्योंकि ये सॉकेट का होलो पार्ट होता है, ये फीमेल पार्ट होता है। तो ये चीज मेरा यहां से ये टूट सकता है, ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पे स्लॉट बना हुआ है, तो ये सबसे कमजोर पार्ट यहीं पर होगा। तो अब इसका एरिया क्या निकलेगा, तो इसको जा देखो, यहाँ पे हम पिक्चर बना हुआ है, तो जो जो रेड से डॉट 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 है उसी का एरिया निकालना है। तो फाइंड आउट द एरिया, तो फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस रेड डॉट डॉटेड। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले होल पूरे का निकालेंगे, तो क्योंकि पूरा एक होलो ऑब्जेक्ट है, तो पाई बाय फोर डी वन का स्क्वायर माइनस डी टू का स्क्वायर। अब सवाल है कि डी वन कहाँ से आ गया, डी टू कहाँ से आ गया, तो डी वन क्या है, जरा इसको हम ले जाने के लिए तुमको ऊपर लेके जाएंगे। तो डी वन किसको कहा गया है, देखो डी वन यहाँ पे कहा गया है आउटसाइड डायमीटर ऑफ सॉकेट, तो सॉकेट का आउटसाइड डायमीटर है डी वन, और इसका इनसाइड डायमीटर क्या होगा, इनसाइड डायमीटर हो गया डी टू, ओके, जो जो कि स्पाइगोट का आउटसाइड डायमीटर है, तो सॉकेट का वो इनसाइड डायमीटर डी टू। तो पूरे बाहर का डायमीटर जो है वो हो गया डी वन, और जो अंदर का डायमीटर है वो हो गया डी टू। तो हम सॉल्व किए, ये होलो साफ हो गया माइनस, अब ये जो खोखला है जो स्लॉट बना हुआ इसका एरिया को बाहर निकाल दो, इसका एरिया कितना निकलेगा, डी वन माइनस डी टू इंटू टी, कैसे, तो पूरे में से D1 में से D2 को बाहर निकाल दो, तो बचा क्या चीज मेरा, दिस पार्ट एंड दिस पार्ट बचा, ओके, तो पूरे में से इतना पार्ट निकाल दो। तो ये जब हम लोग टोटल D1 में से D2 को हटा दिए, तो बचा क्या चीज, इसका लेंथ बचा दिस वन, एरिया कितना होगा, तो थिकनेस से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये पार्ट आ गया, ओके, तो ये इसके एरिया हो गया डी वन माइनस डी टू। अब हमारे पास क्या 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 नहीं, इसमें तो पी पता है, टेंसाइल फोर्स पता रहेगा, डी वन कितना पता नहीं, डी टू मुझे निकल चुका है, डी टू जो है जस्ट ऊपर से हम निकालेंगे, देखो इस फॉर्मूले से हम लोग डी टू को निकालेंगे, ओके, D2 निकल गया, जब D2 निकल गया तो फिर इस चीज को यहाँ पे पुट करेंगे और हमारा यहाँ से D1 को कैलकुलेट करना है, तो D1 कैलकुलेटेड, यहाँ तक मेरा काम था, ये था टेंसाइल फेल। अब आते हैं शियर फेल, ये कहाँ कहाँ से शियरिंग भी हो सकता है मेरा, ये कौन सा क्वेश्चन थर्ड था, अब देखते हैं क्वेश्चन।
सबसे पहला शीयर फेलवर जो होगा वो होगा क्वार्टर में। कैसे? जरा क्वार्टर का हम फोटो को ऊपर उठा के लाते हैं, उसके बाद समझ में आएगा। क्योंकि क्वार्टर जब इसके अंदर जाएगा, तो इस केस में इसको एक पार्ट, जो ये जो पार्ट है क्वार्टर का, क्वार्टर यहाँ पर फ्लोट है, तो ये पार्ट तो क्वार्टर का यहाँ पे रहेगा और इसका जितना डायमीटर है यहाँ से मेरा फ्लोट, यहाँ से क्वार्टर निकल जाएगा। तो क्वार्टर ऊपर की तरफ जाएगा और यहाँ से निकल जाएगा, तो एक पार्ट यहाँ से भी होगा। ओके, तो यहाँ पे मेरा जो क्वार्टर है उसमें डबल शेयरिंग होगा। डबल शेयरिंग का मतलब हो रहा है कि एक जगह से शेयरिंग होगा यहाँ से, एक जगह शेयरिंग यहाँ पे होगा। ऐसा ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जब इस चीज को इस तरह से डालेंगे हम लोग हैं, तो और ऊपर हम लेके चल जाए, देखो जब इस चीज, देखो कि एक पार्ट यहाँ से है, एक पार्ट यहाँ है। तो जब इसको खींचेंगे तो ये जो पार्ट है ये बाहर अलग हो जाएगा और ये पार्ट अलग हो जाएगा, तो दो जगह से ये टूटेगा। ये हम बोलेंगे डबल शेयरिंग, जो कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में फर्स्ट चैप्टर में ही सब मालूम होगा, सिंगल डबल एरिया पे। तो क्या होगा? डबल शीयर एरिया होगा। तो इसमें क्या होगा कि मेरा ये जो पार्ट है, एक पार्ट यहां से टूटेगा, बीच का पार्ट रह जाएगा इसके अंदर ही और तीसरा पार्ट अलग होके निकल जाएगा। ओके, तो ये पार्ट निकल जाएगा बाहर, ये पार्ट बाहर, ये पार्ट अंदर रह जाएगा। तीन पार्ट, तो तीन एरिया से इसका शेयरिंग होगा, मतलब कि दो पार्ट में का शेयरिंग होगा। तो इसका फॉर्मूला हम लोग क्या पुट करेंगे फॉर द शेयरिंग के लिए, वो सिंपल है। मीन विड्थ इसका बी हो गया, तो विड्थ जो हो गया वो तो हो गया मेरा बी, और थिकनेस हो गया, कि अगर हम ऊपर से देखेंगे तो ये रेक्टेंगुलर शेप का दिखाई देगा। ओके, तो ये हो गया बी, ये हो गया पी। शीयर स्ट्रेंथ ऑफ द क्वार्टर लोड पी बाय डबल एरिया टू बी। यहां से हमारे पास शीयर स्ट्रेंथ दिया रहेगा, पी दिया हुआ रहेगा। पी जो है एम्पिरिकल फॉर्मूला के मदद से हमें पता है कि पी का वैल्यू कितना लेते हैं, तो पी का वैल्यू लेते हैं 0.11 डी equal to t। तो ऐसा पुट करने से क्या होगा कि b is calculated, तो b को हम कैलकुलेट कर सकते। अगला कंडीशन 5, तो शियर हम निकाल देंगे सबसे पहले क्वार्टर के मदद से, क्वार्टर में डबल होगा। अब आगे आते हैं, अब शियर कहाँ कहाँ होगा? तो जैसे कि टेंसाइल पे हुआ था स्पाइगोट में, टेंसाइल हुआ था सॉकेट में, अब शियर भी होगा स्पाइगोट में और शियर भी होगा सॉकेट में। तो अब आते हैं फिर से शियर, शियर फेलवर इन स्पाइगोट। अब शियर फेलवर इन स्पाइगोट का देख लेते हैं कौन सा स्पीड कहां पर होगा इसका। तो
स्पाइगोट का डायमीटर डी टू, ओके स्पाइगोट का डायमीटर डी टू, ओके उसके बाद यहाँ का पार्ट कुछ सी है, ओके फिर कुछ पार्ट यहाँ से ए, ठीक है, तो ए सी और बी एक साथ यहाँ पे आ रहा है, तो हम किसको क्या करेंगे देख लेते हैं, हम लोगों ने किसको लेना होगा हमें, ओके तो अब देखो यहाँ पे जो ये जो देखो ये जो पार्ट मेरा है स्पाइगोट का पार्ट है और ये जो चीज शो कर रहा है ये चीज यहाँ तक था मेरा, असल में ये पूरा यहाँ तक था और ये हो गया क्वार्टर, इसके अंदर जाएगा क्या जाएगा क्वार्टर जाएगा, जब क्वार्टर जाएगा तो क्वार्टर इसके अंदर से निकल जाएगा, जब फोर्स लगाएगा तो ये क्वार्टर की वजह से, ठीक है, तो क्वार्टर की वजह से ये जो पार्ट है ये पार्ट घसक के बाहर निकल सकता है, ठीक है ना, तो घसक के बाहर निकल सकता है, इसी को बोलते हैं शियरिंग, यहाँ पे कहाँ कहाँ पे हो रहा शियरिंग, इस सेक्शन पे हो रहा शियरिंग और एक इस सेक्शन उधर दो तरफ से हो रहा है, जस्ट लाइक केक की तरह ये बाहर निकल जाएगा, तो ये जो पार्ट है इसी को बोलते हैं ए, मतलब ये जो एंड पॉइंट से अप टू जो स्लॉट बना हो वहां तक को ए बोलते हैं, और इसका डायमीटर कितना हो गया डायमीटर डी टू, ओके आउटसाइड डायमीटर ऑफ द स्पाइगोट, तो शियरिंग क्या होगा, तो टाउ इक्वल टू पी बाई एरिया, एरिया क्या होगा दिस ए इंटू डी टू, ए इंटू डी टू, और क्योंकि दो ठो है टू से मल्टीप्लाई, ये तुम्हारा निकल गया शियर स्ट्रेन, इससे हमारा डायमेंशंस को हम ए को डायमेंशंस को क्योंकि डी टू मुझे पता है तो ए इज कैलकुलेटेड, तुम्हारा यहाँ पे काम खत्म हो गया। अगला आते हैं हम लोग हैं कि शियर फेलवर इन सॉकेट, बहुत इजी है, शियर फेलवर इन सॉकेट, तो जरा इसको भी देख लेते हैं, तस्वीर को देख लेते हैं कहाँ पे सॉकेट है, सॉकेट इन किसको कहा गया है, तो देखो ये हो गया सॉकेट इन, ये हो गया सॉकेट पार्ट हो गया मेरा, ठीक है, अगला पार्ट, हाँ ये देखो सॉकेट पार्ट, ये सॉकेट पार्ट हो गया, तो सॉकेट में मेरा शेयरिंग कहाँ से मेरा हो रहा है, ओके तो शेयरिंग मेरा कहाँ से होगा सॉकेट का पार्ट, तो ये पार्ट हो गया मेरा सी, ओके ये सी का पार्ट हो गया है, तो सी किसका पार्ट है, सी पार्ट है, याद रखना है कि जो सॉकेट के अंदर का पार्ट है सी, यहां से लेके सी तक पार्ट हो रहा है, तो इसका तस्वीर इसकी उठाते हैं, यहां समझ में आ जाएगा, देखो ये जो पार्ट हो गए वो पार्ट हो गया सी, ओके तो ये सॉकेट का ये पार्ट हो गया सी, और ये जो कैपिटल हो गया ये हो गया मेरा डी फोर, ठीक है डी फोर, और इसके इनसाइड डायमीटर, क्योंकि हम अगर इधर से देखेंगे इस चीज को हम ये दिखेगा ऐसा गोल एंड दिस, ये टोटल हो गया, ये हो गया डी फोर और ये हो गया D2, क्योंकि इसी के अंदर में ना मेरा स्पाइगोट इंटर करेगा D2, इमेजिन को थोड़ा को पिक्चर को, तो कितना एरिया हम लोग क्रश इशियरिंग, जब ये क्या होगा तो ये जो पार्ट है ये पार्ट जस्ट लाइक केक की तरह ये निकल जाएगा ये पार्ट, ओके तो ये जो पार्ट है ये केक की तरह निकल जाएगा, जैसे कि पहला केस में केक की तरह निकल जाएगा,